हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। और ये देखिए, आज कुछ नए नए चेहरे आपके सामने हैं। ये सर हैं और ये कुछ नए नए चेहरे हैं जो उधर मुंह कर रहे हैं। और धूप बहुत है पर आंखें नहीं खुल रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से खोलने की। ये देखिए, ये है अपनी स्टूडेंट विमला, और ये है मनोज, और ये है अमित, और ये हूँ मैं। तो आप सब देख सकते हो हम आ जाए छत पे, और उसका रीजन हम अभी बताएंगे आपको। ये देखिए, पीछे कपड़े भी सूखे हुए हैं, ये तो आपको नहीं देखने हैं। बोलो सर, आप क्या बोलना चाहते हो भाई? सबसे पहले तो आप सबको अपने दीपावली के पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना जो दीपावली का त्योहार है वो आपको अच्छे से मनाना है। और अभी कुछ छुट्टियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऐसे छत पे घूम रहे थे, क्योंकि अब जो राजस्थान के अंदर सीईटी की एग्जाम है वो चल रही है। तो सीईटी के एग्जाम से सारे बच्चे पेपर देने के लिए चले गए। अभी तीन बच्चे हैं जिनका कोई फॉर्म वगैरह लगाया हुआ नहीं है, और कुछ को हमने वापस भेज दिया, वो चले गए। बाकी ये बच्चे रुक गए, बोले हम लोग आ जाएंगे वीडियो में। कई लोग आना पसंद नहीं करते। बाकी नहीं, ये वो बच्चे हैं जो बोल रहे थे अम्मी थोड़ा फेमस होना चाहते हैं। हाँ, हमारी फैन फॉलोइंग भी ज्यादा है, तो आप देखते हैं इनकी फैन फॉलोइंग कितनी क्या है। है ना? तो चलिए आइए इनसे बात करवाते हैं आपको। तो ये लीजिए आप माइक। माइक ये लो भाई। सबसे पहले माइक लिया है मनोज ने, तो आइए देखते हैं मनोज का क्या कहना है दीपावली की छुट्टियों पे। बाकी भी मनोज तुम बता सकते हो, आप कुछ भी अपने बारे में बताओ या फिर कुछ भी, तो बोलिए मनोज। केका कुछ भी दो तीन चार। केका किने भी खेदे तेरी इच्छा है भाई, खेदे। मेरा नाम मनोज कुमार और मेरा गांव रामनगर है। मुझे दीपावली की छुट्टियों के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। दीपावली की छुट्टियों के बारे में सुनकर अच्छा लगा है। शुरू फिर से बीच में आ गया था एक फोन, और हमने कट कर दिया था अपना व्लॉग, तो ये दोबारा से अपन आ गए हैं व्लॉग में। और ये वही त्रिमूर्ति गांधी जी के अपने साथ हैं, तीन बंदर गांधी जी के। तो बोलो भाई, बताओ अपने बारे में कुछ। ये है ना, छुट्टियाँ वगैरह की डिमांड कर रहे हैं भाई, तो ऐसे पहले तो आप लोग बताओ कि छुट्टियाँ करनी कितने दिन की चाहिए। बताओ भाई मनोज, कितने दिन करनी चाहिए? 20 दिन। दीपावली की छुट्टी वो भी 20 दिन की, मतलब कि क्या 20 दिन क्या करोगे भाई? 20 दिन में काम होता है। कौन से काम है बता तो सही थोड़ा। सफाई करनी है घर पर, और बहुत सारे काम क्या होते हैं, जैसे अपन लोग बाहर रह रहे हैं अभी, तो घर वाले ने बहुत सारे काम पेंडिंग में छोड़ के रखते हैं कि वो आएंगे तब करवाएंगे, वो आएंगे तब करवाएंगे। तो अपने काम बहुत सारे हैं, लेकिन अपने वापस थरे है ना, एकदम थके हुए जाएंगे, वहाँ पे जाके सो जाएंगे, कौन फिर काम करेगा भाई? तो अमित तू पीछे पीछे क्यों छुप रहा है? तू लावणी नहीं करेगा क्या जाके? पहले तो ये बता, तेरे को दीपावली नहीं, पहले तुम्हें परिचय दो इनका। देखो ये तो मनोज है ना, और ये अमित, ये है विमला भाई। तो ये हमारे कोचिंग के होनहार छात्र छात्र है, ऐसे मान लो। बाकी तो गए आए सारे परीक्षा वगैरह देने के लिए। इमोशनल मत करो बच्चों को। पढ़ने वाले बच्चे वैसे ना बहुत सारे पढ़ते हैं, 60 दिन पढ़ते रहते हैं, हम रोकते हैं इनको बार बार। कि भाई बस करो, अब इतना ही पढ़ना काफी हो गया है ना। अब भाई देखो ना, हम लोग रह रहे हैं सिक्कर में, तो मनोज सिक्कर से है ना, तो आसपास से ही है। गांव कौन सा है? हाँ, रामनगर। तो ऐसे बता, जैसे सारे लोग सिक्कर में कितने, देखो बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं सीकर में, जैसे सारे लोग चले जाएंगे दीपावली पे। अब जाने के बाद दशा क्या होगी यहाँ की, ये बता। कबूतर उड़े हैं, यहाँ कोई नहीं दिखेगा रोड पे, एकदम बंद हो जाएगी सारी दुकानें, बंद रहेगी। यानी ऐसे मानो कि सिक्कर में बहुत सारी जनता रहती है, बहुत दूर दूर से, और सारी की सारी जनता चली जाएगी। अब पूरा शहर एकदम सुन्ना हो जाएगा, है ना। मेरे तो टेंशन उनकी हो रही है, जो बेचारे है ना सांड वगैरह घूमते रहते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली, वो भोजन कहाँ से करेंगे? उनका भी कहीं कहीं से तो मिलेगा ही। हाँ, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था हो जाएगी, हम कर देंगे। तो भाई देखो, अभी दीपावली की छुट्टियाँ चल रही है, और मैं उस हॉस्टल में देखो अपनी कोचिंग में आती हूँ, लड़कियाँ दिख रही थी ऊपर की साइड में, दिखाना मत उनको। हरियाणा में।
हरियाणा में? हरियाणा से आया। हरियाणा वालों की तो बोली से ही पता चल जाता है, यूं लगता है जैसे मारेगा। ना मारा मोरा को नहीं, मारो को नहीं के फिर तो ठीक है। और बताओ तो अपने बारे में, विमला आप बताओ, दोनों बताओ मिलके तीनों। विमला आप बताओ भाई। विमला टीचर्स भी जब छुट्टियों के बाद आएंगे ना तो पहचान ले लाए की काले भूत बन के आ गया आप। विमला बता तू क्या क्या करेगी छुट्टियों में? मैं घर पे सफाई करूंगी और बर्तन साफ करेंगी। दीपावली से पहले या फिर होली से पहले एक बार घर की सफाई करते हैं, आपकी भाषा के अंदर उसको क्या बोलते हैं? जैसे हमारी भाषा में उसको धूमसा बोलते हैं ना, तो आप लोग बताइए भाई आप अपने घर पे क्या क्या करने वाले हो? आप बताओ क्या करोगी? आप बताओ, अपना बताओ। मैं बताऊँ क्या करूँगी? मैं जाते ही हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तो भैया के दीदी के उनके साथ खेलूँगी। देखो खेल खेलने के और तो क्या करूँगी सर, हमें भी सफाई करूँगी। अच्छा, मम्मी की हेल्प करवाओगे ना? हेल्प तो करनी पड़ेगी ना मम्मी की, मम्मी अकेली सफाई करवाऊंगी दो तीन दिन। और फिर दादी है, दादी से बात करूँगी। और फिर 3 तारीख आ जाएगी, इतनी जल्दी पता ही नहीं चलता है। जब छुट्टी होती है ना उस दिन तो पता चलता है कि हाँ 10 दिन की छुट्टी है, तो आती ही दिखती है 3 तारीख आ गई। बोलो आप भी बोलो। बस भाई आप लोग बताना भाई क्या क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले, उसके बाद बात करेंगे, मिल के बात करते हैं। और इसके अलावा आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 4 तारीख से अपने करियर बनाओ के सभी नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो यदि आप भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो सीकर राजस्थान में नवलगढ़ रोड पे चरण सिंह गेट में अपनी कोचिंग है, आप भी आ सकते हो। इतना लंबा मत बोलो, पूरा एड्रेस बता दो। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई इन बच्चों की तरफ से, सबसे पूरी कोचिंग की तरफ से आप सभी को आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ भी इशारा बोल रहे हैं।